अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड आल्सो शेयर माय वीडियो। सो आई जस्ट वोक अप एंड कल मामा कुछ शॉपिंग करके लाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ें लाई हैं मामा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे मिरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड मैं बहुत देर से मिरर ढूंढ रही थी कोई मुझे मिल जाए। सो आई फाउंड दिस मिरर। मुझे ये वाला मिरर मिला है, मतलब हार्ट शेप है ये, इसको ऊपर भी कर सकते हैं और इसको हम नीचे भी कर सकते हैं एंड इसके साथ ये है इसके नीचे लगाने के लिए, लाइक दिस, ये इसके नीचे लगाने के लिए, ये ऐसा ये मिरर हो गया हमारा। सो इसमें हम हमारा मुंह पूरा अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ जाता है। तो मुझे ना इतना बड़ा साइज वाला चाहिए था ना कुछ ज़्यादा छोटा चाहिए था, तो मैंने इस साइज़ का मिरर ले लिया और मुझे कलर भी बहुत पसंद आया था। सो तो मिरर तो मेरा हो गया है और नेक्स्ट मैंने मंगवाई है वैक्स, वैक्सिंग स्ट्रिप्स मंगवाई है और फिंगर वैक्स मंगवाई है। तो मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप्स ये वाली मंगवाई है, ये है वैक्सिंग स्ट्रिप्स, एंड इनसाइड दिस इज लाइक दिस एंड अंदर से लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स। ये जो वीट कंपनी की होती है इसकी वैक्सिंग स्ट्रिप्स अच्छी होती है, तो इसीलिए मैंने ये वाली मंगवाई है। और ये है फिंगर वैक्स। फिंगर वैक्स ये होती है कि आप फिंगर से वैक्स कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जो हम लेमन वैक्स यूज़ करते हैं उसके लिए हमें जीन्स का कपड़ा चाहिए होता है या बुकरम चाहिए होती है वैक्स करने के लिए, बट ये फिंगर वैक्स है, आप इसको ऐसे अपनी लगाएंगे आर्म पे और ऐसे करेंगे तो फिर ये उतर जाएगी, आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फिंगर से कर सकते हैं। और मैं इसको आज ही यूज़ करूँगी और यूज़ करके मैं इसके रिज़ल्ट इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया और इसने सही तरीके से वर्क किया कि नहीं। सो ये होगी जी हमारी वैक्स। उसके बाद लाई थी मामा स्ट्रोलर। स्ट्रोलर वैसे तो बहुत ज़्यादा घर में पड़े हुए हैं, हर किस्म के स्ट्रोलर पड़े हुए, लेकिन मामा फिर भी दो और ले आई स्ट्रोलर। फर्स्ट तो ये है मारून कलर, इसके ऊपर ये बने हुए। सो ये इसका जो स्टफ़ है ये बहुत अच्छा स्टफ़ है, गर्मियों का स्टफ़ है, ये कुछ ज़्यादा मोटा नहीं है तो इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है, लगे हुए दुपट्टे के इसके बॉर्डर पे ये लगे हुए हैं, एज यू कैन सी ये टसल्स। तो मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद आए थे, लेकिन ये ब्लू वाला मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरी फेवरेट चीज़ है, आपको तो पता ही है मुझे रिंग्स कितनी पसंद है। तो इस बार मामा गई थी और मामा एंटीक स्टाइल रिंग्स लाई है और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, पहले ये रिंग देखें, मैंने पहनी है रिंग, एज यू कैन सी ये ग्रे कलर है, देखिए बहुत ही खूबसूरत रिंग है। एंड जो नेक्स्ट रिंग है वो भी बहुत प्यारी है, ये देखिए, आई विल शो यू, एज यू कैन सी ये एंटीक स्टाइल है और इसके दरमियान ग्रीन स्टोन है और ये बहुत प्यारा कलर है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये रिंग्स, मैं तो पागल हो गई थी देख के, मामा इतनी प्यारी ले आई हो आप। सो एंड द लास्ट थिंग इज विटामिन रिंग, ओके एंड द लास्ट थिंग इज शैम्पू, लाइफ बॉय शैम्पू। मैंने ये अभी जस्ट स्टार्ट करना शुरू किया है बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, मतलब मुझे हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल हो रहा था
और मेरे जितने अभी बाल हैं उससे मेरे 3 गुना ज़्यादा बाल थे, तो मेरे अब बहुत एक्सट्रीम लेवल बहुत पतले हो चुके हैं मेरे बाल। तो मेरी मम्मा जब मेरे बाल देखती है, मम्मा देख देख के कहती है तुम्हारे बालों को हो क्या गया है, पहले तो ऐसे नहीं थे। सो मैंने काफ़ी शैम्पू ट्राई किया, ट्रेसमे, लोरियल, सनसिल्क, बहुत से मैंने ट्राई किए। अब मैं लाइफबॉय ट्राई कर रही हूँ, तो अब मैं देखती हूँ, मतलब मैंने सारे ट्राई करके देखे हैं, तो मतलब वो अच्छे हैं, उनसे स्मूथनेस आ जाती बालों में, बट मुझे तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरे बाल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं हुआ। मैं ज़रूरी नहीं कि हर किसी के भी बालों पे ना करे, अपने अपने बालों का हिसाब होता है। तो मेरे बालों पे नहीं किया, तो अब मैं लाइफ बॉय मैंने स्टार्ट किया है, तो अब मैं लाइफ बॉय आपको मतलब यूज़ करके बताऊँगी कि इसने मेरे बालों को थोड़ा सही किया है कि नहीं किया। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बालों की ना बस स्ट्रेंथ हो जाए, मोटे हो जाए मेरे बाल, क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा मोटे थे और अब बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे इसी चीज़ की टेंशन है। सो ये थी एक और चीज़ है, एंड द लास्ट थिंग इज दिस टिश्यूज। हमारे हर बार टिश्यू इकट्ठे ही आ जाते हैं, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ती है टिश्यू की, तो मामा हर बार इकट्ठे लेके आती है। सो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो मुझे चाहिए था इन दिनों, ज़रूरत थी। तो ये थी मेरी चीज़ें, तो फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को एंड शेयर, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, एंड मैं उस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ उसमें जो चीज़ है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की भाई। सो अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ।